हाय गाइस, आज मैं आपको बहुत ही प्यारा एक सूट का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसे आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं और अपने सूट को एक नया लुक दे सकते हैं, जो कि बनने के बाद बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बीच में से अलग कर दिया है, ये मेरा आगे का पार्ट है। ये देखिए, मैं इसके अंदर बीच में डिजाइन डालूंगी, तो मैं आपको बताती हूँ आपको डिजाइन किस तरीके से डालना है। आपको अपने सूट की जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई रख सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने लंबाई रख के इसमें 3 इंची का मार्जिन रखा है और इसे मैंने अलग कर दिया बीच में से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको डिजाइन किस तरीके से डालना है इसके अंदर। देखिए, मुझे अपने सूट की तैयार लंबाई चाहिए थी 37 इंच, तो मैंने उसके अंदर 3 इंची का मार्जिन रखा है, क्योंकि मेरा 2 इंची नीचे फोल्ड हो जाएगा, 1 इंची मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो हो गई 40 इंच। तो मैं इसे भी 40 इंच का ही निकालूंगी, इसकी लंबाई भी हम 40 इंच ही रखेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई भी हम 40 इंच ही रखेंगे और इसकी चौड़ाई जो हम रखेंगे वो हम 6 इंच के करीब रखेंगे। इसका हम बीच में डिजाइन डालेंगे इस पट्टी का हम। तो इसकी लंबाई हमने 40 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 6 इंच रखी है। हम पूरे पे 6 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से लेके वहां तक। तो देखिए, मैंने पूरी पट्टी पे 6 इंची का निशान लगा लिया है और लंबाई मैंने इसकी 40 इंच ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस पट्टी पे हम 3-3 इंच की दूरी पे दोनों तरफ निशान लगाएंगे, 3 इंच इधर इस तरीके से और 3 इंच इधर छोड़ेंगे और फिर हम इधर निशान लगा देंगे, फिर 3 इंच इधर छोड़ेंगे, फिर 3 इंच हम इधर छोड़ेंगे। इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी पे निशान लगाना है। तो देखिए, हमारा जो 3 इंच का निशान है यहाँ पे हम गोटा रखेंगे इस तरीके से और इस वाले 3 इंच के निशान पे ले जाएंगे। फिर यहाँ हम इस तरीके से रखेंगे गोटे को और फिर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से यहाँ सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से आपको पूरी पट्टी पे सिलाई लगानी है, मैं आपको लगा के बताती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जहां जहां हमने निशान लगाए हैं। ये वाला हमारा 3 इंच का निशान है, तो हम इस तरीके से रखेंगे इसे। तो यहीं से हम इसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। और फिर ये वाला जो हमारा 3 इंच का निशान है हम इसे यहाँ ले जाएंगे। फिर हम इसे इसी तरीके से मोड़ेंगे और इस वाले 3 इंच के निशान पे ले जाएंगे। तो हम पूरी पे इसी तरीके से लगाएंगे। इसी तरीके से आपको पूरे में लगाना है और उसके बाद में आपको फिर हमारा ये वाला जो 3 इंच का सेंटर है यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमें पूरे में इसी तरीके से लगाना है। फिर ये वाला जो हम 3 इंच का निशान है इस पर हम इस तरीके से लगाएंगे सिलाई। फिर इसे हम यहीं से मोड़ लेंगे इस तरीके से, फिर 3 इंच के निशान तक ले जाएंगे हम।
तीन इंच के निशान तक लाएंगे। यहाँ से हम फिर इस गोटे को मोड़ लेंगे और फिर यहाँ से जो हमारा 3 इंची का सेंटर है यहाँ तक लगाएंगे। देखिए इसे इस तरीके से लगाएंगे और इधर वाला जो हमारा ये 3 इंची का निशान है यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको इतने बीच में लगा के बताया है गोटा, उसी तरीके से आपको इस पूरी पट्टी में लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी पट्टी में इसी तरीके से देखिए गोटा लगा लिया है। आप भी इसी तरीके से पूरी पट्टी में गोटा लगाएं। अब हम इसके अंदर निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ऊपर से 7 इंची पे निशान लगाएंगे, देखिए, और 7 इंची पे हम इधर निशान लगाएंगे। अब ये जो नीचे से पट्टी है यहाँ पे हम 3 इंची पे निशान लगाएंगे, ये देखिए, और हम 3 इंची पे यहाँ निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 इंची इसलिए मैंने यहाँ निशान लगाया क्योंकि हमने इसमें 3 इंची का मार्जिन लिया था सिलाई के लिए। 1 इंची ऊपर सिलाई में चला जाएगा, 2 इंची नीचे फोल्ड होगा। और ये देखिए यहाँ पे 7 इंची का निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 7 इंची का हमारा गला बनेगा। अब हमें ये 7 इंची छोड़ के और नीचे का 3 इंची छोड़ के इसके अंदर हम फुंदने लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको फुंदने किस तरीके से बनाने। तो ये देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए, मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करूँगी। और ये देखिए इस तरीके से इस पर हम वी शेप का निशान बनाएंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बचा हुआ इसकी हम कटिंग कर देंगे, इधर से भी कटिंग कर देंगे। फिर इसे हम इस तरीके से मशीन के इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से सीधा कर देंगे और इसका हम डिज़ाइन लगाएंगे अपने सूट के ऊपर। इसी तरीके से आपको बना के तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने 7 इंची छोड़ा है ये गले के लिए। अब यहाँ से आगे हम गिनेंगे हमें डिज़ाइन लगाने के लिए कितने फुंदने तैयार करने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे 9 फुंदने इधर लगेंगे और 9 फुंदने इधर लगेंगे। आप भी पहले एक बार चेक कर लें आपके में ये कितने खाने हैं, उसी हिसाब से आपको फुंदने तैयार करने हैं। तो मुझे 18 फुंदने तैयार करने हैं, तो मैं आपको तैयार करके बताती हूँ आपको इसके अंदर किस तरीके से लगाना है डिज़ाइन। ये देखिए इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी के अंदर रख के और इनके अंदर यहाँ पे साइड साइड में पूरे में सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं हमने इस पट्टी में पूरे में इस तरीके से फुंदने लगा लिए हैं। ये देखिए ये वाला जो हमारे पार्ट हैं कटे हुए आगे के, इसे हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए, और हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। देखिए हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, ये देखिए, और इस पे पूरे पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ अपने ये दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं। ये देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है इसे हम इस कपड़े के ऊपर लाएंगे, ये फुंदने जो हैं हम इसे इस कपड़े के ऊपर लाएंगे। तो ये देखिए तरीके से हम इसे पकड़ेंगे, ये देखिए इसे इस तरीके से करेंगे। देखिए फिर इस तरीके से देखिए जिस तरीके से मैंने इसके अंदर
सुई की मदद से टाके लगाए हैं, उसी तरीके से आपको इसके अंदर भी लगाने। इसे इस तरीके से करेंगे और फिर इस तरीके से सुई करेंगे, तरीके से सुई करेंगे, फिर इसे इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, फिर एक बार और करेंगे इस तरीके से। फिर देखिए, ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको ये लगा के बताए हैं, उसी तरीके से जितने भी हुंदने इसके ऊपर लगे हुए हैं उसे आपको इस कपड़े के ऊपर करना है इस तरीके से। इस वाले को भी इस तरीके से सुई की मदद से इसके ऊपर आपको लगा देने हैं ये, ठीक है। आपको इसी तरीके से पूरे लगाने हैं। इस तरीके से हमने पूरे पे हुंदने लगा लिए हैं और अब हम ये जो हमारी पीछे वाली सिलाई है इसे इस तरीके से करेंगे और इस पर हम पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से ये जो हमारी पीछे वाली सिलाई है इसे इस साइड को करेंगे और इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम पूरी पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए पीछे वाला कपड़ा मैंने इस साइड को करा है और इसे इस तरीके से रखा है। देखिए मैंने इसके अंदर पूरे में सिलाई लगा ली है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ सिलाई लगाई है उसी तरीके से हम यहाँ इसके ऊपर पूरे में यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, अब हम इसके अंदर नग लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से लगाने हैं। तो देखिए अब मैं इसके अंदर नग लगाऊंगी। देखिए और यहाँ पे हम एक एक इंच की दूरी पे ये वाले नग लगाएंगे, एक एक इंच की दूरी पे इन्हें हम इस तरीके से लगाएंगे। देखिए और इसी तरीके से एक एक इंच की दूरी पे हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए मैं इसके अंदर इस तरीके से नग लगाऊंगी पूरे के अंदर। आपके पास जौन से भी नग हो, आपको जौन से भी अच्छे लगते हैं, जौन से आपको पसंद है, आप इसके अंदर उस तरीके के नग लगा सकते हैं। अगर आपको नग नहीं लगाने नहीं पसंद है तो आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से ऐसा भी रख सकते हैं, पर मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसके अंदर नग लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं आपको लगा के बताती हूँ कि नग लगने के बाद ये किस तरीके का लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से अपने पूरे सूट में नग लगा लिए हैं, ये देखिए आप। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। तो हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए आप भी इसी तरीके से करें, जिधर हमने 7 इंच छोड़ा है गला बनाने के लिए उस हिस्से को आप ऊपर रखें, उधर से आप अपना मुद्दा लें। तो देखिए नीचे की तरफ से हमें अपना दामन रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से निशान लगाने हैं। तो देखिए इधर से हम ऊपर की साइड लेंगे, तो यहाँ से मुझे तीरा चाहिए 6.5 इंच का, मैं 6.5 इंच पे टिक करूंगी। ये आप तीरा 7 इंच लें अगर आपको ब्रॉड नेट गला बनाना है। मुझे ब्रॉड नेट गला नहीं बनाना, नॉर्मल बनाना है, तो मैं 6.5 इंच का रखूंगी तीरा इसका। यहाँ से भी हम 6.5 इंच लेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और ये जो निशान आ रहा है हमारा इसे हम 6.5 इंच तक ही लेंगे, उस इस तरीके से सीधा कर देंगे। फिर यहाँ से हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट है 38, 38 का हम आधा करेंगे तो हो गया 19, 19 का हम आधा करेंगे हम तो 9.5। यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, देखिए। और ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी, मेरे में ज्यादा नहीं है। अगर आपके में कपड़ा ज्यादा बचता है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े की आप कटिंग कर सकते हैं।
तो अब हम देखिए इस निशान को सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी चेस्ट का निशान है सिलाई का, और ये जो हमने मार्जिन लिया है ये मार्जिन का। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए, चेस्ट से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम इधर। ये देखिए, ये लगाया है हमने। और अब हम अपनी कमर का चौथा हिस्सा करेंगे। जितना हमारी कमर का चौथा हिस्सा आएगा हम उस पर यहाँ निशान लगा देंगे। तो देखिए, हमारी कमर है 32 का हम आधा करेंगे तो हो गया 16, और अगर आधा करेंगे तो हो गया 8। तो हम यहाँ पे 8 रखेंगे। देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, फिर हम यहाँ से 13 इंची पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ऊपर से जहाँ हमने चेस्ट का निशान लगाया, ये देखिए, यहाँ से हम 13 इंची पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 13 इंची पे हिप लेंगे। हमने यहाँ से 6.5 इंची पे कमर ली, और फिर दोबारा हम यहाँ पे इंची टिप को रखेंगे, फिर दोबारा यहाँ से हम 13 इंची पे टिक करेंगे, और 13 इंच पे हम अपने हिप लेंगे। देखिए, यहाँ से हम अपने हिप का निशान लगाएंगे, तो हिप हमारे चाहिए हमें 40-40 का। अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो हो गया 10। देखिए, हम 10 पे निशान लगाएंगे, और ये हमारा मार्जिन है 1.5 इंची का। अब हम यहाँ से अपनी लंबाई नापेंगे, हमें कितनी लंबाई चाहिए। तो देखिए, लंबाई मैंने पहले ही रखी थी, मुझे 37 इंच चाहिए थी। मैंने इसमें 3 इंची का मार्जिन पहले ही रख लिया था। आप देख सकते हैं कि 40 इंच है। जितनी आपको लंबाई चाहिए आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। बस सिर्फ उस लंबाई में आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि हमारा 2 इंची नीचे फोल्ड हो जाएगा और 1 इंची हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए, अब हम इन निशानों को मिलाएंगे। तो देखिए, ये वाला जो हमारा चेस्ट का निशान है सिलाई का, और ये हमारा मार्जिन का, हम इस निशान को, चेस्ट वाले निशान को हम कमर वाले निशान से मिलाएंगे। ये देखिए, ये जो हमारा कमर वाला निशान है इसे हम हिप वाले निशान से मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। तो देखिए, हमने यहाँ तक निशान ये मिला लिए हैं। यहाँ से हम घेरा नापेंगे और फिर इस निशान को सीधा यहाँ तक कर देंगे। तो देखिए, मुझे घेरा अपना नीचे का चाहिए 10 इंच, मतलब 20 इंच चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ से 10 इंच रखूंगी। और ये देखिए, 1.5 इंची, 1.5 इंची के करीब ही है, हम इसे सिलाई के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए, ये वाला जो निशान है हमारा, इसे हम सीधे ले आएंगे यहाँ तक। ये देखिए, तो देखिए, आप देख सकते हैं हमने पूरे में निशान लगा लिए हैं। तो देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ आपको किस तरीके से निशान लगाने, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना लगे और आप आराम से अपने घर पर इस सूट को बना सकें। तो देखिए, मैंने तीरा लिया है 6.5 इंच, तो मैंने यहाँ से 6.5 इंच लिया, फिर यहाँ से मैंने मुड्डे के लिए 6.5 इंच लिया, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट का निशान लगाया, चेस्ट मेरी थी 38 चौथा हिस्सा निकालेंगे तो 9.5। देखिए, मैंने 9.5 पे टिक करा, फिर यहाँ से मैंने 1.5 इंची सिलाई के लिए लिया, फिर यहाँ से हमने 6.5 इंची पे देखे टिक करा। आप देख सकते हैं ये सीधा निशान हमारी कमर का है, और ये सीधा निशान हमारी चेस्ट का है। तो देखिए, 6.5 इंच पे टिक करा मैंने, उसके बाद में हमारी कमर थी 32 का। अगर हम चौथा हिस्सा निकालेंगे तो बचेगा 8। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 8 लिया, 8 इंची पे टिक करा, और यहाँ से सिलाई के लिए मैंने 1.5 इंची के करीब लिया। उसके बाद में फिर हम अपने चेस्ट के निशान पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम 13 इंची पे टिक करेंगे। ये देखिए, ये जो निशान हमने लगाया है 13 इंची पे लगाया है, ये हमारे हिप का निशान है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने हिप लेंगे। देखिए, हिप मुझे चाहिए थे 40, तो मैंने यहाँ 10 इंची पे टिक करा, और उसके बाद में मैंने यहाँ से 1.5 इंची सिलाई की नहीं लिया। उसके बाद में बारी आती है हमारे घेरे की। तो देखिए, मुझे ये भी 20 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 10 इंची रखा और 1.5 इंची मैंने सिलाई के लिए लिया। तो मैं आपको मुड्डे की गोलाई करके बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ से हम 1.25 इंच के करीब रखेंगे, यहाँ पे हम टिक करेंगे, और इस तरीके से देखिए हम गोलाई कर देंगे। यहाँ तक हमारा, मतलब फिटिंग का सिलाई का निशान है। ये देखिए,
हमें यहीं तो गोलाई देनी है, यहाँ से हम इसे सीधा कर देते हैं मार्जिन तक, और यहाँ से हम इसकी इस तरीके से गोलाई कर देते हैं। ये देखिए देखिए, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इसी को पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख के हम दूसरे वाले की भी कटिंग कर देंगे। मैं पहले इसकी कटिंग करके बताती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि आपको पीछे वाले की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन है, हम यहाँ से इसकी कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ से जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा जो बच रहा है यहाँ तक हम सिर्फ इसी की कटिंग करेंगे। अगर आपके में ज्यादा कपड़ा बच रहा है तो जो आपने मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, उससे जितना भी फालतू कपड़ा बच रहा है आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। मेरे में इसमें फालतू कपड़ा नहीं बच रहा, बस यही बच रहा है इतने में, तो मैं इतने बीच में ही कटिंग करूंगी। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसी वाले पार्ट को पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख के उसकी कटिंग कर देंगे। आप भी इसी तरीके से पहले आगे वाले की कटिंग करें, फिर उसे पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख के उसकी कटिंग कर दें। दोनों की बंद साइड एक तरफ को रखें और खुली साइड एक तरफ को रखें, तो हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। जितना भी यहां से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर देंगे। आपके में भी जितना कपड़ा बचे, जितना एक्स्ट्रा हो उसकी आपको कटिंग कर देनी है। हमें ये वाला पार्ट बिल्कुल इसके बराबर रखना है। ये देखिए, और अब हमारा ये वाला पार्ट लंबाई में थोड़ा ज्यादा बच रहा है, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी लंबाई भी हम इतनी रखेंगे जितनी हमने अपने आगे वाले पार्ट की रखी है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे टिक करा है। 2.5 इंच से इधर का जितना भी कपड़ा है, देखिए इधर बिल्कुल इस तरीके से हम 1/2 इंच के करीब मुड्डे गिराएंगे, इधर से इधर तक गिराएंगे, यहाँ से मिला देंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। ये देखिए, ये हमारे ये आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है, मैंने दोनों पार्ट इसी के ऊपर रख रखे हैं। और ये देखिए 1/2 इंच के करीब हम इस तरीके से मुड्डे गिरा देंगे। तो देखिए हमने अपने आगे और पीछे दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है, अब हम इसे रख देंगे। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ आपको बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए ये बंद साइड है और ये इधर से खुली साइड है, यहाँ से मैं 3 इंची पे टिक करूंगी। ये देखिए यहाँ से हम 3 इंची लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंची पे टिक करेंगे। और ये देखिए इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। ये देखिए हमने मुड्डे के निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम मोहरी रखेंगे, मोहरी हमें चाहिए 5 इंच की, और हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे, फिर इसे इस निशान से मिला देंगे। ये देखिए हमने बाजू के निशान लगा लिए हैं और आपको भी इसी तरीके से लगाने हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है, हमने चेस्ट सूट में चेस्ट का 1/4 हिस्सा 9.5 लिया था, तो आपको ये भी 9.5 का ही रखना है, यहां से मुड्डा आपको। और यहाँ पे हम बीच में कट लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बीच का सेंटर कहाँ है। ये हमारी बाजू अभी है 15 इंच के करीब है, ये बाजू 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच इधर सिलाई में जाएगा, तो ये हमारी 14 इंच के करीब बैठेगी। पर हम इसके अंदर 1.5 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ेंगे तो ये हमारी बाजू तैयार 16 इंच की बैठेगी। तो मैं आपको बताती हूँ आपको किस तरीके से इसके अंदर पट्टी जोड़नी है। अब हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं आपको सूट के सिलने के बारे में बताती हूँ कि आपको किस तरीके से सिलना है। हम गले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये बुकरम है मेरी, इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है और लंबाई मैंने 8 इंच के करीब ली है, और इसे मैंने अलग निकाल लिया है काट के। तो देखिए अब हम इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। तो देखिए
यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, ये देखिए 2.5 इंच लिया है हमने। और लंबाई हमें जो अपने गले की चाहिए वो हमें 7 इंच चाहिए, तो हम टिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम 2.5 इंच पे टिक करेंगे। हमें ये इतना गला रखना है, तो हम इसे यहीं से इस तरीके से गोल शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसकी गोलाई कर देनी है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए 1 इंच के करीब छोड़ेंगे, ये देखिए। पहले हम इस तरीके से काटेंगे, उसके बाद में इस तरीके से जितना भी हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने अपने गले की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसे कपड़े पे लगाएंगे, ये गला हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। आपके पास जो भी बचा हुआ कपड़ा हो, सूट का या कोई सा भी, आप उसे गले के इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से, ये मैंने चौकोर निशान लगाया है। इस तरीके से हम इतने कपड़े को काट के अलग निकाल लेंगे। देखिए आप चाहें तो सुई की मदद से इसके ऊपर टांके लगा सकते हैं, या मशीन की मदद से आप लगा सकते हैं। तो आप मशीन की मदद से इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, मैं आपको लगा के बताती हूँ। इसी तरीके से आपको बुकरम पे सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम 1 इंच के करीब छोड़ेंगे, और बाकी के सारे कपड़े की हम कटिंग कर देंगे गोलाई से। अब हम इस कपड़े को बुकरम के ऊपर इस तरीके से लाएंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। मोड़ेंगे इस तरीके से हम इसे, और इसका बीच का जो सेंटर है हम यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इस पे पिन लगा दी है। पिन की मदद से मैंने इसे इसके ऊपर अटैच कर लिया है। अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो आप सबसे पहले इसके अंदर बीच सेंटर में सिलाई लगाएं, इस तरीके से बीच में सिलाई लगाएं ताकि ये आपका इधर उधर ना हो। तो देखिए मैंने, मेरे पास पिन थी तो मैंने इसके अंदर ही पिन लगा दी है। मैं बीच में सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं जिस तरीके से मेरा गला बनना है मैं इसी तरीके से इसके अंदर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब इसे हम पीछे की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से, पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। इस गले के ऊपर आप कच्ची सिलाई लगाएं, क्योंकि हम इस सिलाई को हम उधेड़ देंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर तुरफाई करेंगे।
तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा ली है। जब हम इसके ऊपर तुरफाई करेंगे तो हम इस कच्ची सिलाई को उधेड़ देंगे। तो देखिए अब हम पीछे की गले की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, इस सिलाई के बाद ये 2.5 इंच हो जाएगी और यहाँ से मैं 4 इंच लूंगी। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से 1 इंच के करीब लेंगे हम। इस तरीके से कटिंग कर देंगे। आपको जितना बड़ा गला चाहिए आप उसकी लंबाई बड़ा घटा सकते हैं अपने हिसाब से, पर यहाँ से आपको 2 इंच लेना है क्योंकि हम इसके अंदर तिरछी पट्टी जोड़ेंगे तो ये 1/2 इंच अपने आप ही बढ़ जाएगा, तो ये 2.5 इंच अपने आप ही हो जाएगा। देखिए अब हम इसके अंदर तिरछी पट्टी जोड़ेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ आपको तिरछी पट्टी किस तरीके से काटनी है। जितना आपका गला बड़ा है आप उतनी ज्यादा पट्टी अपने हिसाब से काट सकते हैं, पर इसकी चौड़ाई जो आपको रखनी है वो 2 इंच के करीब रखनी है। ये वाली जो देखिए हमारी पट्टी है, इसे हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इस पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी जोड़ ली है। आपकी भी जितनी पट्टियां आ रही है आप उसी तरीके से इन्हें जोड़ सकते हैं। ये देखिए इस पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और हम इसे सीधी तरफ लगानी स्टार्ट करेंगे, सीधी तरफ से इस तरीके से हम पूरे में लगाएंगे। ये देखिए, तो देखिए मैं आपको लगा के बताती हूँ। बाकी की जो बची हुई पट्टी है इसकी हम कटिंग कर देंगे और अब इसे हम पीछे की तरफ पलट देंगे और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस पे हम पीछे वाले गले पे हम तुरफाई करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमने पीछे का गला अपना बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए हम आगे के मुड्डे की गोलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 5 इंच पे टिक करेंगे, फिर हम 2.5 इंच पे टिक करेंगे और यहाँ से हम देखिए 3.5 इंच लेंगे। ये जितना भी हमारा छोटा बड़ा लग रहा है हल्का फुल्का ये हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे। फिर हमने ये जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था यहाँ पे हमने टिक कर दिया है, हमें इससे आगे अपनी गोलाई नहीं लेके जानी। ये देखिए हम यहीं तक सिर्फ कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारी आगे की गोलाई हो चुकी है। ये देखिए ये हमारा पीछे का पार्ट है, हम इसे भी 3.5 ही रखेंगे। ये देखिए इतना फालतू है 3.5 इंच से, इसे हम इस तरीके से काट देंगे। सिर्फ गोलाई हमें आगे की ही करनी है, फिर जितना हमने आगे का तीरा रखा है उस हिसाब से इसे रख के बाकी क्या एक्स्ट्रा की हमें कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि हमें जोड़ते वक्त दिक्कत ना हो, हमारे दोनों के ये जो तीरे हैं बराबर बैठे, छोटे बड़े ना बैठे। देखिए हम इस तरीके से रखेंगे, आगे पीछे के पार्ट है हमारे, इन दोनों की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है और ये उल्टी साइड है। आपको भी इसी तरीके से रखना है। फिर हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। मैं आपको लगा के बताती हूँ।
देखिए इसी तरीके से हम इस वाले मुड्डे पे भी सिलाई लगाएंगे। देखिए अब हम बाजू जोड़ेंगे, तो हम बाजू की गोलाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से, ये हमारे बीच का सेंटर है, यहाँ से हम तकरीबन 2.25 इंच के करीब यहाँ पे छोड़ देंगे, और यहाँ पे भी हम 2 इंच के करीब छोड़ देंगे। थोड़े से कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए मैं करके बताती हूँ, ये देखिए, और यहाँ से हम बिल्कुल इस तरीके से मिला देंगे। इसी तरीके से आपको करनी है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़ा रखा है। ये दोनों सीधे हिस्से हैं, देख सकते हैं आप, ये दोनों सीधे हैं इस तरीके से, और ये वाला हमारा उल्टा हिस्सा है, और ये वाला। आपको भी इसी तरीके से कपड़ा बिछाना है कि आपको कटिंग कर देनी है 1/2 इंच के करीब की, ठीक है। अब हम बाजू जोड़ेंगे। ये मेरा बीच का सेंटर है, ये जो मैंने कट लगाया है मैं इसे यहाँ रखूंगी, और ये जो मैंने इस पे कट लगाया है ये देखिए, ये मेरा गोलाई वाला हिस्सा है, बाजू का गोलाई वाला हिस्सा आपको आगे की तरफ लगाना है। ये देखिए ये आगे की तरफ को आएगा। फिर हम दोबारा यहीं बीच का जो हमारा सेंटर है यहीं से हम सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम बीच का सेंटर यहाँ रखेंगे, और इस पे भी हम बीच से ही सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। हमने इधर की सिलाई लगा ली है, फिर दोबारा हम बीच के सेंटर पे इस तरीके से आएंगे, और फिर दोबारा यहीं से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। आपको सिलाई लगाते वक्त बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो बाजू की गोलाई करी थी, गोलाई वाला हिस्सा आपका आगे की तरफ को आए। तो देखिए अब मैं बाजू की मोहरी पे कपड़ा लगाऊंगी, तो उसके लिए देखिए ये मैंने डबल ते में कपड़ा लिया है, और देखिए ये बंद साइड है, यहाँ से मैं 5 इंच पे टिक करूंगी। देखिए 5 इंच पे टिक करूंगी, और मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था बाजू में, तो मैं 1.5 इंच पे यहाँ टिक करूंगी, और यहाँ से मैं 6 इंच के करीब निकालूंगी इसे। ये देखिए 6 इंच से ये इतना फालतू है, यहाँ पे मैं टिक करूंगी 1 इंच के करीब, और 1 इंच के करीब मैं यहाँ टिक कर दूंगी। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 6 है, 6 का आधा करेंगे तो 3 इंच हो गया। हमें 2 पट्टी निकालनी है, क्योंकि हम दोनों बाजुओं पे लगाएंगे, और 3 इंच ही मैं यहाँ से लूंगी इस तरीके से। ये देखिए अब हम इसे बीच में से अलग कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी बाजू की मोहरी है। हम इस पट्टी को अपने को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पूरी पट्टी पे। तो देखिए मैंने यहाँ से लेके पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे पीछे की तरफ को पलटूंगी। ये देखिए इस तरीके से इसे मोड़ेंगे हम, और ये वाली जो हमारी सिलाई का कपड़ा है इसके ऊपर हम इस तरीके से इसे लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम लगा देंगे, और फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे पूरे में, और फिर एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे पूरे में। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।
देखिए हमने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम एक सिलाई यहाँ से लगाएंगे पूरे में। मैं आपको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से लगानी है। आपको इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू में भी पट्टी लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी दोनों बाजू की मोहरी पे इस तरीके से ये कपड़ा लगा लिया है। अब मैं इसकी फिटिंग के बारे में बताती हूँ कि आपको इसकी फिटिंग किस तरीके से करनी है। तो देखिए अब हम इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो देखिए मेरी चेस्ट थी 38, 38 का हम आधा करेंगे तो हो गया 19। तो यहाँ पे हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए दोनों तरफ जितना भी कपड़ा बच रहा है उसे बराबर बराबर हम दोनों तरफ छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था तो मैं 1.5 इंच इधर छोड़ दूंगी। ये देखिए और ये देखिए 1.5 इंच हम इधर छोड़ देंगे। अब हम इसे नापेंगे कि ये 19 इंच है या नहीं है। ये देखिए ये हमारा 19 इंच है। अब देखिए हम यहाँ से 6.5 इंची पे टिक करेंगे। यहाँ पे भी हम 6.5 इंची पे टिक करेंगे, इसे सीधा कर देंगे। और यहाँ से हमारी कमर थी 32, 32 का हम आधा करेंगे तो हो गया 16। हम 16 इंच लेंगे और 1.5 इंच दोनों तरफ छोड़ देंगे। ये देखिए पहले हम 1.5 इंच दोनों तरफ छोड़ देंगे फिर हम नाप के देखेंगे ये 16 इंच है या नहीं है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ बराबर कपड़ा छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा 16 इंच है। अब हम चेस्ट से ये जो हमारा चेस्ट का निशान है यहाँ से हम 12.5 इंच पे टिक करेंगे। ये देखिए जब हमने सूट की कटिंग करी थी तो हमने हिप अपने 13 इंच पे लिए थे। अब हम 12.5 इंच पे इसलिए लेंगे जब हमने मुड्डे में बाजू जोड़ी थी तो हमारा 1/2 इंच इधर सिलाई में चला गया था। तो इसलिए हम यहाँ से इस सिलाई से नापेंगे 12.5 इंच पे टिक करेंगे। और यहाँ पर भी हम इसी तरीके से नापेंगे और 12.5 इंच पे हम टिक करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम अपने हिप का निशान लगाएंगे। तो हमने हिप अपने रखे थे 20 इंच के, तो हमने उसके अंदर 1.5 इंच का मार्जिन रखा था तो हम 1.5 इंच का मार्जिन अलग कर देंगे। तो देखिए अब हम इन निशानों को सीधा कर देंगे। हमने पूरे पे यहाँ पे अपनी फिटिंग के निशान लगा लिए हैं जिस तरीके से हमने सूट की कटिंग में करा था। चेस्ट वाले निशान को कमर वाले से और कमर वाले निशान को हम अपने हिप वाले निशान से मिलाएंगे। हमारे हिप यहाँ पे थे 12.5 पे, 12.5 इंच पे यहाँ पे हमने अपने हिप का निशान लगाया था। ये देखिए मैंने ये निशान सीधा कर दिया है। आपको सिर्फ यहीं तक सिलाई लानी है, इससे आगे आपको सिलाई नहीं लानी। उसी तरीके से हम यहाँ मिलाएंगे। ये देखिए और यहाँ पे हमें इससे आगे सिलाई नहीं लेके जानी, इसलिए इस निशान को हम सीधा कर देंगे। तो देखिए अब हम बाजू की फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो मैंने मोहरी यहाँ से ली थी 5 इंच के करीब। ये देखिए तो हम 5 इंच पे टिक करेंगे। ये जो हमारा चेस्ट का निशान है यहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे और उस तरीके से इस निशान को हम आड़ा कर देंगे। इस तरीके से हमने पूरे पे निशान लगा लिए हैं। इसी तरीके से हम इस वाली बाजू पे भी निशान लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से हमारी मोहरी है यहाँ से हम इस तरीके से जैसे जैसे हमने निशान लगाए उसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और हम ये जो हमारा निशान है सीधा हमें सिलाई सिर्फ यहीं तक लानी है। यहाँ से हम थोड़ी सी दूर तक फिर सिलाई वापस ले जाएंगे यहाँ तक 1 इंच तक ताकि हमारे चाक मजबूत रहें और ये यहाँ से उधड़े ना। ठीक है उसी तरीके से हमें यहाँ करना है। ये देखिए हमारी मोहरी एरी यहाँ से हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फिर हम इसी तरीके से यहाँ पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे और ये हमारा सीधा निशान है, इससे आगे हमें सिलाई नहीं लेके जानी। फिर यहाँ से हम 1 इंच तक वापस सिलाई ले जाएंगे। ठीक है मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है। मैं अपने सूट के चाक मोड़ूंगी। देखिए इस तरीके से हम इसे करेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम पूरे को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे पूरे पे यहाँ तक। ये उसी तरीके से हम यहाँ का मोड़ेंगे और इस तरीके से यहाँ भी हम पूरे पे सिलाई लगा देंगे। उसी तरीके से आपको दोनों तरफ का मोड़ना है। मैं आपको मोड़ने के बाद दिखाती हूँ।
ये देखिए, आपको भी इसी तरीके से चारों तरफ का मोड़ना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये जो हमारा नीचे का दामन है, इसे हम इस तरीके से और इस तरीके से करेंगे। और ये देखिए, फिर हम इस पे पूरे पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से आपको पीछे वाला दामन भी मोड़ना है, इसी तरीके से सिलाई लगानी है उस पे भी। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा सूट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आप ये भी देख सकते हैं कि बनने के बाद ये कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। आप इसे बड़ी ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं, और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा और आपके सूट को एक नया लुक देगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जो भी आपको नीचे लाइक का बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करें। और अगर आप इसी तरीके की सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने घर पे अच्छे से अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सिल सकें, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।